तो धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है, देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का प्लान है कि देश के सभी जिला हेडक्वार्टर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और इसीलिए हर जगह इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी है। और राज्यसभा सांसद नीरज डांगे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, चलिए उन्हें सुनते हैं। सम्मानीय आदरणीय सचिन पायलट साहब, प्रदेश कांग्रेस के AICC के इंचार्ज आदरणीय तरुण कुमार जी, मंचासीन सभी उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कांग्रेसजन और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, पत्रकार साथियों, हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं किसान बिल की, तो ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद सदन में प्रत्यक्ष गवाह हूं इस चीज का। जब ये बिल पास हो रहे थे, विपक्ष के नाते कांग्रेस के तमाम सांसदों ने, हम सब ने मिलकर के आवाज उठाई थी, मांग रखी थी कि ये बिल जो है किसानों के हित में नहीं है। निश्चित रूप से इन बिलों को पास करने के पीछे कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का कोई मकसद है। किसानों की मांग को सदन में उठाया गया और जब बिल पास नहीं किए जाने को लेकर के सांसदों ने आवाज उठाई, हम लोगों ने मांग रखी कि हम लोग वोट चाहते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, शायद सब साथी जानते भी होंगे इस चीज को, सदन में किसी भी बिल के पास होने की मांग को लेकर के जब बात होती है और एक भी सदस्य, एक भी सांसद अगर ये आवाज उठाता है कि उसे इस बिल के लिए वोट करवाना है, तो संवैधानिक रूप से सभापति बाध्य है कि वो वोटिंग करवाए। सांसदों को सुना नहीं गया, सदन में असंवैधानिक तरीके से इन बिलों को पास किया गया, विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए, उनकी बात को नहीं सुना गया, वोट की मांग को खारिज कर दिया गया। और आनंद फानन में ऐसी क्या जल्दी थी केंद्र की सरकार को कि तीनों बिलों को इन्होंने पास किया, ये इस बात को दर्शाता है कि निश्चित रूप से जो समायोजन इन बिलों में किया गया है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लेकर के, कहीं ना कहीं ये तार जुड़े हैं। पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि अपने कॉर्पोरेट साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो राफेल हो। कल राहुल गांधी जी ने एक बात रखी है कि उनके शब्दों को ध्यान में रखना कि ये बिल इनको जो है निश्चित रूप से वापस लेने होंगे। ये राहुल गांधी जी ने उस समय भी कहा था जब कोरोना आया था, आप लोगों को ध्यान होगा, सबसे पहली अगर बात कोरोना को लेकर के किसी ने देश में की थी तो राहुल गांधी जी थे। उन्होंने 12 फरवरी को वो ट्वीट किया था कि कोरोना को हमको हल्के में नहीं लेना है, लेकिन जिस प्रकार से प्रबंधन किया गया, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने देश में आने वाले उन तमाम टूरिस्ट को क्वारंटाइन करके कोरोना से निजात उन्होंने अपने आप अपने देशवासियों को दिलाई। यहां देश चलता रहा कोरोना को लेकर के, प्रबंधन को लेकर के देश के अंदर केंद्र सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की, किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना का अगर प्रबंधन हुआ तो राजस्थान में हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ राजस्थान के अंदर। कोरोना नेतृत्व अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो आज राजस्थान के हालात बदतर हो चुके होते, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। देश में किस तरह की सरकार चल रही है आप देख रहे हैं। एक रुपया जो है UPA की गवर्नमेंट के टाइम अगर बढ़ता था, चाहे वो डीजल पे बढ़ता था या रसोई गैस पे बढ़ता था, तो सड़कों पर ये लोग उतर करके आते थे, सिलेंडर लेकर के सड़कों के ऊपर रोटियां बनाते, हमने स्मृति ईरानी को देखा है। मैं कहना चाहूंगा कि आज 100-100 रुपए बढ़ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हाउस में ही नहीं सुन रहे तो सड़कों पर क्या सुनेंगे। इन्होंने देख लिया कि आंदोलन 50 दिन से ऊपर का हो चुका है किसानों का, कुछ दिन और चलेगा, किसान ठंडे हो जाएंगे। लेकिन इस बार किसानों ने ठान ली है, राजस्थान में एक बार किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम
भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के टाइम जब उस समय जब कांग्रेस ने विरोध किया था, आपको ध्यान होगा उन किसानों के आंसू पहुंचने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था, आज भी वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों पर दमन कर रहे हैं, किसानों को कुचल रहे हैं, किसानों की भावनाओं के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज भी अगर उनकी कोई सुनवाई कर रहा है, उनको कोई पूछ रहा है, तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, कांग्रेस पूरी उनके समर्थन में उतरी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि जो किसान चाहते हैं उनकी मांग को पूरा किया जाए। 29 तारीख से पुनः जो है संसद का सत्र बुलाया गया है, शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया, कहा गया कि सांसदों से पूछ लिया कि हमने पता नहीं किन से उन्होंने बात करी है, हम लोगों से तो बात नहीं हुई, पता नहीं किन से बात करके निर्णय लिया गया कि शीतकालीन सत्र जो है सांसद चाहते ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, किसी से पूछा नहीं गया। ये लोग सत्र इसलिए सत्र से दूर अपने आप को इन्होंने रखा, ये चाहते नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सत्र में निश्चित रूप से सदन के अंदर हंगामा होगा। ये हंगामा अगर 29 तारीख से पहले किसानों के हित में अगर निर्णय नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हंगामा होगा। हम करेंगे राजस्थान के तरफ से, मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की आवाज को, देश के किसानों की आवाज को उठाने का काम कांग्रेस के विपक्ष के जो सांसद हैं हम लोग सदन में करने का काम करेंगे। किसान जो है अकेला नहीं है, कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के समर्थित दल जो है उनके साथ में आज खड़े हुए हैं। और ये बात निश्चित रूप से पिछला जो सत्र था, जब सत्र चल रहा था बजट के बाद जो मानसून सत्र था, उस सत्र के अंदर किसानों के समर्थन के अंदर हम लोगों ने सदन में भी धरना दिया था, और आज 29 जनवरी को जब सदन पुनः चालू होगा, पुनः किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।